हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल LWD जॉब में। केंद्रीय विद्यालय संगठन न्यू टीचर रिक्रूटमेंट निकाली गई है, जहां बिना एग्जाम के आप यहां टीचर बन सकते हैं। कोई एग्जाम नहीं होगा, कोई सीटेट या बीएड भी जो है यहां पर नहीं मांगा गया है। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स की वैकेंसी है और इसके साथ में कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर की भी वैकेंसी निकाली गई है। सभी राज्यों के कैंडिडेट यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। मेन वेबसाइट पर जो है सारी चीजें हमें डिटेल में समझने को देखने को मिलेगी। तो ये जो है एप्लीकेशन फॉर्मेट जो कि मेन वेबसाइट पर है, केंद्रीय विद्यालय IFFCO फूलपुर से ये वैकेंसी आई है। तो पूरा जो है ये विज्ञापन है, जिसे आप डाउनलोड करके फिल करके और अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के साथ में स्कूल पहुंचना होगा। पहले से आवेदन नहीं करना है, डायरेक्ट स्कूल जाना है इंटरव्यू के लिए। तो सबसे पहले जो है मैं आप लोगों को यहाँ पर बता दूं, ये जो वैकेंसी निकाली गई है ये पूर्णतः अस्थायी है, संविदा पर आधारित वैकेंसी है। ऐसे कैंडिडेट जो कि परमानेंट टीचर की तैयारी कर रहे हैं, केंद्रीय विद्यालय में जाने की, नवोदय विद्यालय में जाने की या फिर DPS में जाने की, तो सबसे पहले जो है यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट बेस पर जो वैकेंसी आती है यहाँ पर आप लोगों को इंटरव्यू देना चाहिए, अगर आपका सब्जेक्ट है तो। क्योंकि जब भी रिटर्न एग्जाम आपका क्वालिफाई हो जाता है परमानेंट टीचर्स के लिए केंद्रीय विद्यालय में, तो जब आपके इंटरव्यू की बारी आती है तो सबसे पहले आपसे एक ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है इंट्रो के साथ में, कि क्या आपने पहले कभी पढ़ाया है, आपके पास कोई अनुभव है 1 साल का, 2 साल का, जो भी है। तो अगर आप उनको ये कहते हैं कि हाँ जो है कॉन्ट्रैक्ट बेस पर जो वैकेंसी निकाली गई थी केंद्रीय विद्यालय संगठन की हमारे जिले से, हमारे राज्य से, तो वहां पर हमने पढ़ाया है, तो सबसे ज्यादा बेनिफिट जो है ऐसे कैंडिडेट को होता ही है, क्योंकि उन्हें पहले ही पता होता है कि ये जो है अनुभवी टीचर हैं, इनको केंद्रीय विद्यालय में पढ़ाने का अनुभव है, यहाँ के तौर तरीके ये सारी चीजें ये पहले से ही समझते हैं। तो इसीलिए आपके राज्य में, आपके जिले में जब भी जो है कॉन्ट्रैक्ट बेस पर वैकेंसी निकलती है केंद्रीय विद्यालय की, तो बिल्कुल आप लोग वहां पर अप्लाई जरूर करें अगर आपका सब्जेक्ट है, क्योंकि परमानेंट जब वैकेंसी निकलेगी तो सबसे ज्यादा जो है बेनिफिट आपको ही होगा। और फिलहाल जो है अभी KVS में जो है परमानेंट टीचर की वैकेंसी अभी नहीं आई है, तो तब तक जो है यहाँ पर आप लोग पढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले सब्जेक्ट आप देखें, ज्यादा सब्जेक्ट नहीं है, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि PGT फिजिक्स की केवल वैकेंसी है यहाँ पर, और दूसरी वैकेंसी है कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर की। ना तो यहाँ BEd मांगा गया है, ना ही यहाँ पर CTET या कोई भी टेट जो है मांगा गया है, कोई भी परसेंटेज का भी चक्कर नहीं है, केवल मास्टर डिग्री फिजिक्स में मांगी गई है। या कंप्यूटर टीचर इंस्ट्रक्टर के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पर भी कर सकते हैं। आपको क्या करना होगा, मेन वेबसाइट पर आना होगा। मेन वेबसाइट पर अनाउंसमेंट सेक्शन में सबसे ऊपर डाउनलोड एडवर्टीजमेंट है, तो यहाँ पर आपको विज्ञापन देखने को मिलेगा। सेकेंड नंबर पर है एप्लीकेशन फॉर्मेट, जो कि मैंने आप लोगों को अभी दिखाया था। इसे जो है आप लोग डाउनलोड करेंगे, फिल करेंगे, और फिल करने के बाद जो है अपने साथ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के साथ में जो है दिए गए स्कूल का जो एड्रेस है, आप लोगों को 22 दिसंबर को शुक्रवार के दिन पहुंचना है केंद्रीय विद्यालय IFFCO फूलपुर प्रयागराज। ये कहाँ है, उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। तो ये वैकेंसी उत्तर प्रदेश KVS की आई है। यहाँ पर लिखा है कि किसी पद हेतु अभ्यर्थियों की संख्या अगर सामान्य से अधिक हो जाती है, अगर सामान्य से अधिक हो जाती है, तो ऐसी कंडीशन में जो है रिटर्न एग्जाम हो सकता है। बाकी पहले से जो है ये डिसाइड है कि यहाँ केवल इंटरव्यू रहेगा। सर्वाधिक अंक पाने वाले रिटर्न एग्जाम में जिनके सबसे ज्यादा अंक होंगे, तो ऐसे जो है पहले 10 अभ्यर्थियों का ही जो है इंटरव्यू होगा, ठीक है। बाकी और इसके लिए जो है विशेष जानकारी के लिए विद्यालय के जो ऑफिस है इसका नंबर भी दिया गया है। तो ये चीज मैंने आप लोगों को बता दी। मेन वेबसाइट का लिंक मैं आप लोगों को शेयर कर दूंगी। बहुत से कैंडिडेट जो कि अप्लाई करना चाहते हैं, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप नीचे तक देखा करें, आप लोगों को लिंक वहां पर मिल जाएगा, ताकि आप लोग डायरेक्ट जो है मेन वेबसाइट पर आकर और एप्लीकेशन फॉर्मेट को डाउनलोड कर सके या फिर विज्ञापन को दोबारा देख सके। तो वैकेंसी के लिए बने रहें चैनल पर, आपके लिए भी जो है आपके राज्य की, आपके जिले की वैकेंसी जरूर आएगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।